हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम होली का प्री सेलिब्रेशन करने वाले हैं, तो मैं रेडी होकर के ऑफिस आ गई हूँ। आज का थीम था हमारा वाइट एंड ब्लू, देन मैंने कॉम्बिनेशन बनाया वाइट एंड ब्लू का और मैं पहुँच गई ऑफिस। तो पहले चलते हैं पेट पूजा करने, क्योंकि अगर पेट में ही कुछ रहेगा तभी तो मन लगेगा। तो चलते हैं खाने पे, देखते हैं। मैं सब लोगों के साथ निकल गई अपनी टीम के साथ, और फिर हमें बुलाया। क्या खाएगी दीपा? बिरयानी। चलो बिरयानी खाने चलते हैं आज दीपा की पसंद की। यहाँ हम अब फिर दीपा की पसंद की बिरयानी खाने के लिए आगे बढ़े, और मैंने ऑलरेडी यहाँ का भी दिखाया हुआ है पिछले वाले ब्लॉग में कि इन भैया की बिरयानी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। मैंने इसके पहले भी खाया हुआ है, तो आज थोड़ी भीड़ कम थी। अब शायद फेस्टिवल की वजह से ऑफिस की छुट्टी रही होगी तो भीड़ यहाँ पे आज कम मिली हमें। तो फाइनली हम बिरयानी के पास पहुँच गए, और यहाँ पे आज सिर्फ हमारी ही टीम थी। ये हमारी टीम का मेंबर है, इसको पता चल गया कि मैं इसकी वीडियो ले रही हूँ तो मुंह बनाने लगा। और ये है सस्ता संजय दत्त। ये सब मजाक उड़ा रहे थे एक दूसरे का। तो फाइनली हम यहाँ पे बिरयानी का वेट कर रहे हैं, और धीरे 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 भीड़ इकट्ठी हो गई है। प्लेट्स हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हमें डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। लो खाओ, पेट को आराम दो अपने। फाइनली खाया हमने बिरयानी और बहुत मज़ा आया, लेकिन थोड़ी सी मिर्च लगी मुझे, पता नहीं क्यों आज बहुत ज़्यादा मिर्च लग रही थी मुझे। तो अब मिर्च को हटाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, जब तीखा लग रहा है। तो मैं आ गई यहाँ पे ऑरेंज पल्पी ऑरेंज लेने। देन मैं और मेरी फ्रेंड दोनों पल्पी ऑरेंज लिए। हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि 20 का मिल रहा था लास्ट ईयर, अभी 25 का हो गया। कोई नहीं, मैं यहाँ पे फिर वीडियो बनाई अपना, क्योंकि होली है तो कुछ तो फोटो वीडियो बनने चाहिए ना। देन ये ऑफिस का डेकोरेशन हुआ था हमारा, कि यहाँ पे हम फोटोशूट कराए, हमने करवाए भी बहुत सारे। और फिर हम निकले हैं अब शाम वाली ब्रेक पे, शाम को देखते हैं क्या करते हैं हम। यहाँ पे मैं जैसे निकली, मेरी फ्रेंड मुझे मिल गई प्रीति, और ये जा रही थी वीडियो बनाने के लिए, मुझे मिल गई रास्ते में। मैंने इसे सी ऑफ किया, एंड फिर मैं आ गई पकौड़े खाने के लिए। अब पकौड़ों के साथ कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए आप सोचो। खैर मैं बताती हूँ क्या चाहिए पकौड़ों के साथ। मुझे तो चाहिए चाय, मैं आ गई चाय पीने के लिए। और फिर यहाँ से मैंने एक 10 रुपए की चाय कराई पकौड़ों के साथ, मीठी चटनी है। हालांकि मुझे तीखी वाली उतनी पसंद नहीं आती, तो मैं और मेरी फ्रेंड ने पकौड़े खाए। यहाँ पे पकौड़े खाने के बाद चाय पी, और फिर ऑफिस में काम को लौट गया। फिर वापस छुट्टी जब हमारी हुई तब हालत हमारी पता चलेगी। यहाँ पे हम बाहर होली खेलने आए, क्योंकि इनकी हालत देख करके आपको भी नहीं लगता कि ये लोग तरीके से होली खेल सकते हैं, क्योंकि कलर तो गिरना ही नीचे। और हम सोच रहे हैं कि बताओ ये लोग अभी इतना गंदा कर दिया, अभी तो टाइम है, थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। फिलहाल वेट करने के बाद मैंने भी सोचा मैं भी सबको रंग लगा देती हूँ, तो एक एक करके मैंने बुलाया। लेकिन ये क्या मुझे ही रंग लग गया सबसे पहले, और ये क्या सर पे लगा दिया यार, पहले मेरा फेस बिगाड़ दिया। पर कोई नहीं, होली है, बुरा नहीं मानते, कोई बात नहीं, हैप्पी होली। बहुत अच्छा लगा सबके साथ, सबके साथ हमने होली खेली। एंड ये लोग हैं हमारी टीम के मेंबर हैं सारे मेरे भाई लोग। और हाँ, ये मैं नाम भी बताती हूँ, ये शैलेश है, ये हर्ष है। हर्ष को मैंने बहुत गंदा रंग लगाया, हर्ष अपने आप को बहुत शेर खान समझ रहा था, मैंने सिर रंग लगा दिया। और ये अयप्पन भाई भी अपने आप को बॉडी बिल्डर समझते, मैंने इनको भी रंग लगा दिया। सबको रंग लगा के मैंने हरा दी। खैर, और फिर ये दीपा है, दीपा मुझे रंग लगाने के लिए बोल रही है, मैं बोल रही हूँ अच्छा लगा ले अब। और हैप्पी होली, हैप्पी होली सबको, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं सबको हैप्पी होली। आप लोग भी अच्छे से होली खेलना। मैंने तो थोड़ा सा इसके चेहरे का हालत ख़राब कर दिया था, बट आप लोग सबके साथ अच्छे से होली खेलना, खूब मजे करना, और अपना ध्यान भी रखना साथ में। और ये भाई साहब, इसके ये टकले का तो मैंने बैंड बाजा बजा दिया। अब हम वेट कर रहे थे अपने सीनियर्स का कि वो लोग भी एक बार आ जाते तो हम होली उनके साथ भी खेलते। थोड़े बचे, थोड़े जो इन लोगों के फेस बचे हुए थे, मैंने सोचा कि मेरे रंग है तो सबके रंगने चाहिए, और इसका तो मजाक ही उड़ा दिया यार। लकी, ओ भाई मेरा। इसको रंग लगा के इसके टकले पे हमने इसका बहुत मजाक बना दिया। कोई नहीं, बहुत अच्छा है वैसे। सबने थोड़ा थोड़ा रंग लगाया एक दूसरे को, थोड़ा थोड़ा करके बहुत ज़्यादा रंग हो गया था। और ये लकी को जो मैंने बोला कि बहुत अच्छा है, ये देखो कुछ अच्छा नहीं है, क्या ही कर रहा है ये, अपने सर का सारा रंग उसके शर्ट में पोंछ दिया। खैर कोई नहीं, अच्छा है। होली है तो सब कुछ चलता है थोड़ा बहुत।
ये लोग मस्ती कर रहे हैं अपने आपस में, सब कह रहे हैं कि ओहो कपड़े ख़राब कर दिए, सब लोगों ने आज वाइट पहना हुआ था, तो स्पेशली हमने प्री सेलिब्रेशन के लिए ही वाइट पहना हुआ था, तो ख़राब तो होना ही था, घर से ही सोच के गए थे कि ख़राब तो होना ही है, क्या पछताना अब इसमें, जाके धो लेंगे साफ़ हो जाएगा, होगा तो होगा नहीं तो अगले साल दूसरा आएगा। और फिर हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं सर लोगों के आने का, तब तक हम कुछ वीडियो वगैरह बना लें, पर क्या ही बनाए, पेज तो सारा रंग में डूब गया है, पता ही नहीं चल रहा कहाँ आ गए कहाँ ना आ गए, सब कुछ कलर में डूब गया है, बेकार कर दिया इन लोगों ने मेरा फेस, सर पे इतना रंग डाल करके मेरे बेकार कर दिया। खैर कोई नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँगी कभी सबको, सब लोग जो देख रहे हो मेरी वीडियोस ध्यान से देख लेना। फाइनली मेरे जो सीनियर आए, अब सीनियर्स को हमने रंग लगाया, विश किया होली, एंड ये जो है ये मेरे सीनियर हैं, इनका हालत बेकार कर दिया इन लोगों ने रंग डाल करके। खैर कोई नहीं, बहुत अच्छे हैं, मैंने इन्हें रंग लगाया, विश किया होली एंड से हाय, दिन मेरे सर हाय कर रहे हैं। फाइनली हमने इसके बाद से फिर वापस हम घर को अब निकल चुके हैं, यहाँ पे हमने सबको रंग लगाया, फिर बहुत सारा एंजॉय किया। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलती हूँ।